अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक बड़े ही अरसे बाद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं हूँ अदील। तो आप जैसे कि पीछे बस में देख सकते हैं काफ़ी रश है, यकीनन ये फिनलैंड की बस नहीं है। मैं इस वक्त तुर्की में हूँ और तुर्की में, और तुर्की में जो है वो इस वक्त हम जा रहे हैं तुर्की की सबसे बड़ी जामा मस्जिद चमलेजा मस्जिद में। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इकबाल भाई भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी अपनी फैमिली के साथ घूमने आए हैं और वो हमें ज्वाइन करेंगे। और तुर्की की क्या ही बात है जी, क्या खूबसूरत मुल्क है, क्या खूबसूरत ये इस्तांबुल शहर है। तो आइए चलते हैं चमलेजा ग्रैंड मॉस्क, जो कि तुर्की की या तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं और इकबाल भाई से मिलते हैं और मस्जिद की सैर करते हैं। तो दोस्तों हम चमलेजा की मस्जिद में आ गए हैं और क्या खूबसूरत मस्जिद है। इकबाल भाई भी आ गए हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। और इस मस्जिद का जो सबसे बड़ा खूबसूरत एक पहलू है वो इसका व्यू है। ये सामने बॉस्फोरस चैनल गुजर रहा है और ये ऊंचाई पे ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करती है। चोक गुज़ेल मंजरली तुर्किश में कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम इकबाल भाई, क्या हाल है आपके जी? अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा मरहबा, खुश कैल्दिनिस, वेलकम टू टर्की। शुक्रिया साहब, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से आए यहाँ पे? बिल्कुल अल्लाह सब खैरियत से पहुँचे और आपसे मुलाकात भी हो गई। आपको कैसी लगी है चमलेजा जामे? बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी, मेरे ख्याल मैं अपने लाइफ की मक्का और मदीना की तो जगह को छोड़कर बाकी सबसे बड़ी मस्जिद देखी है साहब आज। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं ये ज़्यादा पुरानी मस्जिद नहीं है, ये 2019 में बनी है। 2019 मार्च में ऑफिशियली मतलब इसका वो बन गई थी, ओपनिंग नहीं हुई थी। इनॉग्रेशन जो हुई है इसकी वो हुई है 9 मई 2019 को। अच्छा जी। और इस मस्जिद की जो आर्किटेक्ट है ना वो दो खवातीन है माशाल्लाह जी, ये भी तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ये मस्जिद जो है ना वो बनाई खवातीन की, समझ लें कि ये विमेन फ्रेंडली मस्जिद है, यानी उनका एक अलग वजू खाना है उनके लिए, वो एलिवेटर का सारा इंतज़ाम आपने देखा है क्या शानदार वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका मेन कोर्ट यार्ड है। लेकिन ये मस्जिद एक एग्जाम्पल की तरह से मैं बताऊँ इसको लूँगा, क्योंकि यूरोप में भी मतलब इस तरीके की मस्जिद बनाने की ट्राई करते हैं कि मस्जिद हो उसके अंदर हर तरीके की फैसिलिटी हो। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मतलब अब वजू खाना भी 2 लेवल नीचे जाके और इतना लश वजू खाना, मतलब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 63,000 नमाजी जो हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है मुख्तलिफ़ लेवल्स पे कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी कोई अर्थक्वेक आ जाए, कोई सानिया हो जाए, तो 1 लाख फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे एक तरह से शेल्टर भी ले सकती हैं। और यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी है, यहाँ की म्यूज़ियम है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, मदरसा है, गर्स के वो तमाम मॉडर्न एमिनिटीज़ जो किसी भी मॉडर्न रिलीजियस सेंटर में होनी चाहिए वो सारी मौजूद हैं। इकबाल भाई अपनी फोटोग्राफी स्किल्स शाइन करते हुए। और ये देखें आप पुराने वक्तों में जो ओटोमन टाइम्स के जो डिज़ाइन थे मस्जिदों के, उसमें जो वज़ू खाना होता था वो बिल्कुल सेंटर में होता था मस्जिद के सहन में। तो यहाँ पे बैठ के जो है वो लोग वज़ू करते हैं और फिर सामने जो है वो मस्जिद का मेन डोर है। अच्छा, एक और फैक्ट इस मस्जिद के बारे में ये कि ये तुर्की की 3 उन मस्जिदों में शामिल है जिसके 6 मीनार हैं। यानी कि आपने अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हों तो एक तो सुल्तान अहमद जो ब्लू मॉस्क है उसके 6 मीनार हैं, उसके अलावा जो है वो अदना जो एक और मेरा व्लॉग है उसकी जो सबांजी जो बुयुक यानी ग्रैंड सबांजी मॉस्क है उसके 6 मीनार हैं, और उसके बाद ये तीसरी मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं।
अच्छा, आपने इकबाल भाई रात में आप ये सुल्तान अहमद और हाया सूफिया की साइड पे घूमे? नहीं, आज का प्लान है इंशाल्लाह। ओ क्या खूबसूरत वहाँ पे लाइटिंग हुई हुई है। अच्छा, सुल्तान अहमद पे, हाया सूफिया पे। क्योंकि अभी जो हम लोग दो दिन पहले गए थे तो उस दिन रेन हो रही थी, ठीक है, और हमारे प्लान का पार्ट है कि रात में जरूर जाना है, हम तो वहीं पे कमाल रात शाम में जो है ना, वो हम लोग कल गए थे, बहुत खूबसूरत वहाँ पे लाइटिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस है। अच्छा, अभी प्लान ये है कि हम जो हैं वो बस लेके उस्कुदार वापस जाएंगे और इकबाल भाई लोगों के साथ डिनर करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जी, ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पे एक चिकन की डेलिकेसी मिलती है उस्कुदार के मेन बाज़ार में। यूनिक किस्म का जो है ना उनकी डेलिकेसी है, ग्रिल्ड चिकन की। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी जी, जी। और उसके साथ वो एक ख़ास किस्म की तंदूरी रोटी होती है, वो मक्खन वाली। अच्छा, तो हम वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो जी आइए उस्कुदार चलते हैं और वहाँ पे हम नमाज भी पढ़ेंगे और डिनर भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, उस्कुदार पहुंच गए। चलें जी, उस्कुदार डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए। मगरिब का टाइम हुआ है, मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर खाना खाते हैं। क्या खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। पाकिस्तान बार तुर्की वन 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 ईरान ईरान वन आर्मेनिया चौक गुजर तुर्की। वन वन ईरान यखी यखी नफूस तुर्की वन तुर्की ईरान तारा। ये जी उस्कुदार का बाजार है। ये देखे जी, ये वो वाले नान है जो मक्खन वाले होते हैं ना। आबे आबे बुने कदर ताने येरमेश बेश ताने अब्बा कोशिल। अच्छा जी, नान वहाँ से ले लिए और उसके बाद ये जो है तनाची पला जो है, यहाँ पे आपकी वो चिकन होती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो यहाँ से हम चिकन खाएंगे। ये उस्कुदार के मेन ओल्ड बाज़ार में। ये देखें जी, चिकन और नान और तबाही शुरू हो चुकी है इकबाल भाई की तरफ से। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये चमलेजा जामी यानी चमलेजा ग्रैंड चमलेजा मॉस्क का टूर पसंद आया होगा। Take care of yourself. Assalamu alaikum.